प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राष्ट्र और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की। आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके छात्र रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज बुधवार 17 मार्च 2021 है। विक्रम संवत 2770, शक संवत 1942 सर्वरी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 11:28 तक रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 6:29 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। चंद्रोदय प्रातः 8:43 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 10:02 पर होगा। आज अश्विनी नक्षत्र है जो प्रातः 7:31 तक रहेगा। तत्पश्चात भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इंद्र योग है जो प्रातः 9 तक रहेगा। तत्पश्चात वैघ्रत योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र पूर्वाभात पद है जो रात्रि 2:37 तक रहेगा। आज का अशुभ समय राहु काल है दिन के 12:30 से 2 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट वश यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। गंडमूल का समय है आज प्रातः 6:29 से 7:31 तक। आज का शुभ समय अभ्युत मुहूर्त कोई भी नहीं है, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल प्रारंभ न करें। यदि अति आवश्यक हो तो अमृत काल का प्रयोग करें जो प्रातः 5:10 से 6:58 तक रहेगा। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धन लाभ की स्थिति बन रही है। अचानक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। यात्रा का योग भी बन रहा है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यवसाय तथा भूमि जायदाद संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, परंतु उनका निराकरण भी हो जाएगा। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपने कार्यों को लेकर दौड़ धूप अधिक रहेगी। निकट बंधुओं के साथ तनाव का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। फिर भी बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए कोई भी कार्य करें। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज स्थान परिवर्तन तथा अनियोजित खर्च हो सकता है। आय के साधन में कमी हो सकती है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। धैर्य धारण करें। निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धन का व्यय अपेक्षा से अधिक हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी उच्च अधिकारी से विरोध के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। यात्रा की योजनाएं बन सकती हैं। कोई बिगड़े हुए कार्य भी बन सकते हैं आपके परिवार में, जिसकी वजह से खुशी का माहौल बनेगा। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सोचे हुए सभी कार्य संपन्न होते हुए नजर आएंगे। कार्य को लेकर लघु यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। क्रय विक्रय के कार्यों से लाभ होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बनाए रखें। जानते हैं अगली राशि
कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज बनते कामों में अड़चने आ सकती हैं, पारिवारिक चिंता और मानसिक तनाव बना रहेगा, धन की कमी महसूस कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कुछ विलंब से होगी, शारीरिक कष्ट तथा मानसिक तनाव का योग बन रहा है। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज अपना धन संभाल कर रखें, चोरी जा सकता है या खो सकता है, किसी महिला से विवाद की स्थिति बन सकती है, क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, दिन लाभदायक कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन चलाते समय आप मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें, दुर्घटना की संभावनाएं अधिक हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखें, दिन मंगल फलदायी कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी को बिना मांगे सलाह देना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, धार्मिक कार्य में धन खर्च करना पड़ सकता है, घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। अपनी सभी वस्तुओं को संभाल कर रखें, कोई बड़ा नुकसान आपका स्वयं के द्वारा हो सकता है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको लोहा खरीदना महंगा पड़ सकता है, शिव जी की पूजा आराधना में रुचि रखें, लंबी यात्रा हो सके तो टालने की कोशिश करें, जो आपके लिए बेहतर होगा। अपने छोटे बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखें, जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन महिला वर्ग के लिए विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि कोई शुभ समाचार दोपहर के बाद मिलने के योग दिख रहे हैं, मित्रों से विवाद की संभावनाएं हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखें, यात्रा से परहेज करें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94 53 555 111 पर प्रत्येक दिन।